आपको एब्रॉड में जो है जॉब करनी चाहिए या जॉब सेटल होना चाहिए, या जो आपकी कंट्री में जो स्टे होना चाहिए, क्या आप भी इससे रिलेटेड जो है कंफ्यूज हैं कि आपको क्या जो है चूज करना चाहिए? तो इससे रिलेटेड आपकी इस वीडियो में इस ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 पॉइंट्स के बारे में। अगर आप उन 7 पॉइंट्स को जो है अपने दिमाग में रखेंगे तो आप जो है ध्यान से देख सकते हैं कि आपको जो है वहीं रहना है, अपने कंट्री में ही रहते हुए वो जॉब करनी है, या बाहर जा करके अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस के कारण मैंने जो है उनसे पूछा, तो उसके बिहार पे ही मैंने वीडियो बनाई जिससे कि आपको भी पता चल जाए और आपकी जो भी क्वेश्चन क्वेरी हो वो सॉल्व हो जाए। तो वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि वीडियो की भावनाओं में आप इतना खो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं। अभी चीज़ें मैं लिख करके दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। पहला रीजन जो मैं बताता हूँ, देखिएगा, थिंक अबाउट, सबसे पहले ये है कि आपको जो है थिंक अबाउट योर फ्यूचर। How much you will get from your present job or business? ठीक है, अगर जैसे कि आपको कोई बिजनेस है या कोई ऑर्गेनाइजेशन या जॉब है, तो उससे आप जो है फ्यूचर में कितना जो है कर सकते हैं उसका जो है वो देखिए। अगर उसके अकॉर्डिंग जैसे कि आपका नहीं बनना तो आप डिसाइड कर सकते हैं जाने का, ठीक है ना। दूसरी चीज जो है, जो रीजन होता है वो होता है ड्यू टू वेदर और एटमोस्फियर। जैसे कि आपको किसी कंट्री का जो एटमोस्फियर पसंद नहीं है, वेदर पसंद नहीं है, तो आपको जैसे कि कनाडा हो गया तो वहाँ पर एटमोस्फियर अच्छा है, वेदर अच्छा है, तो उसके बिहाफ पर भी आप जो है डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये 7 पॉइंट में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इन पर जो है गौर करेंगे तो आपको जो डेफिनेटली जो है आंसर मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूँ, फॉर योर चिल्ड्रन फ्यूचर, यानी जैसे कि आप बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो जैसे कि अभी जिस प्रेजेंट में किस स्टेटस है उनका, इन फ्यूचर में आप उन्हें कहाँ जो ले जाना चाहते हैं उसके लिए जो हम मनी नीड है, तो आप उसे जो है देख सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज बताऊं तो ड्यू टू जॉब एक्सपेक्टिंग इन योर कंट्री, यानी आप जहाँ जिस कंट्री में जॉब कर रहे हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग वो एक्सपेक्ट करते हैं आप, या आप जो है उससे ज़्यादा जो है एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके भी आप पे भी आप जो डिसीजन ले सकते हैं कि भाई आप वो ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन करते हैं लेकिन वो आपको जो है कम वहाँ पर मिलना है, तो उसके भी आप पर भी आप जो है डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इफ यू वांट टू बाय योर ओन हाउस, यानी अगर आपके पास अभी घर नहीं है किसी उस पर, तो आप जो उस पर देख सकते हैं कि अभी जो है बाहर जा करके जो है उस एटलीस्ट अपना घर जो है कर ही सकता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, इसके भी आप पे भी आप जो है डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और जो छठी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, ड्यू टू गेट एब्रॉड एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके पास एब्रॉड एक्सपीरियंस होता है तो आप अपनी कंट्री में भी वहाँ पर जो है अच्छी खासी जो है जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, ड्यू टू गेट मोर सैलरी व्हाट यू वांट, यानी आप जैसे सैलरी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और ज्यादा की जो आपकी ख्वाहिश है कभी आप ज्यादा जो है एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके बिहाफ पर भी आप जो डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैंने 7 रीजन बता दिए, और भी रीजन हो सकते हैं लेकिन मैंने मेन मेन आपको ये बता दी। इसमें कोई भी दिक्कत है आपकी तो आप जो है उससे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर, या आपको और किन स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपकी जो भी क्वेश्चन क्वेरी हो उसे मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो मुझे बताइएगा, और जो है नीचे कमेंट बॉक्स में करके मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी या और किन किन स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। धन्यवाद।